अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में हर रोज़ के साथ कोरोना वायरस के ताजपोशी में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क के बड़े शहरों में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका है और मरीजों को बिस्तरें तक नहीं मिल पा रहे हैं। जुमे को हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्क में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के 2 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह अपडेट के मुताबिक मुल्क में कोरोना के कुल 2,17,353 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 1,185 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल केसेस 2,17,353 दर्ज किए गए हैं और 24 घंटों में मरने वालों की तादाद 1,185 हो चुकी है। अब तक केसों की कुल तादाद 1,42,51,917 हो चुकी है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू और 30 अप्रैल तक मॉल्स, जिम्स और ऑडिटोरियम्स बंद करने का ऐलान किया है। शहर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए सख्त पाबंदियों के तहत ये ऐलान किया गया। एक सरकारी हुक्म के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू पर आज रात यानी जुमे की रात 10 बजे से अमल होगा और वो पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। जिमनाजियम, ऑडिटोरियम्स, मॉल्स, इंटरटेनमेंट पार्क्स और असेंबली हॉल्स 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सिनेमाघर सिर्फ 30% गुंजाइश के साथ काम करेंगे। तमाम अहदेदारों ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू में तौसी का फैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाने की इजाज़त नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मरकज को एक मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया है कि कोविड-19 वबा को कुदरती आफत करार दिया जाए ताकि हुकूमत रियासत डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड का इस्तेमाल मुतासर अवाम की माली मदद के लिए कर सके। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने यह खत लिखते हुए इजाज़त तलब की। उन्होंने कहा कि फिलहाल सैलाब, बिजली गिरने के वाकयात, शदीद बारिश में इमला के आमदनी को नुकसान पर इस जुमरे के तहत मुतासर अफराद को मुआवजा दिया जाता है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने एक अलहदा मकतूब में कहा कि रियासत के सरगर्म केसों में अगले 15 दिनों में दुगना इजाफा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तहरीर करदा खत में उन्होंने लिखा कि 30 अप्रैल तक रियासत के सरगर्म केसेस बढ़कर 11,90,000 हो जाएंगे, जो फिलहाल 5,64,000 हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत अप्रैल के आखिर तक बढ़कर रोज़ाना 2,000 मैट्रिक टन हो जाएगी, जो फिलहाल 1,200 मैट्रिक टन है। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के एक वज़ीर ने काबिले एतराज़ बयान देते हुए नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। वज़ीर प्रेम सिंह पटेल ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस से अमवात को कोई भी रोक नहीं सकता और लोग जब अपनी उम्र को पहुँच जाते हैं आखिर में मर ही तो जाते हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ ये कहा जा रहा है कि कई लोगों की मौत हो रही है, तहम लोग जब बूढ़े होते हैं तो आखिर में मरते ही तो हैं। रियासत में कोविड के बाद अमवात की तादाद में इजाफे पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि अमवात हो रही है, तहम इन अमवात को कोई भी नहीं रोक सकता। न सिर्फ मैं बल्कि मुल्क में हर कोई ये कह रहा है कि कोरोना से तहफ़ के लिए हर एक का तआवुन लाजमी है। हुकूमत अवाम का तआवुन चाहती है और ये ज़रूरी है कि कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो फेस मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथ धोते रहें और एक दूसरे से फासला बरकरार रखें। दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ की मस्जिद में माह रमज़ान के दौरान 50 लोगों को नमाज की अदायगी की इजाज़त दी गई है। मरकज़ की मस्जिद गुज़िश्ता ज़्यादा से 1 साल से बंद है। दिल्ली की एक अदालत ने मुसलमानों को यहाँ नमाज पंजागाना की इजाज़त देते हुए कहा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कोविड गाइडलाइंस को मलहूज़ रखते हुए यहाँ पर नमाज के लिए जमा हो सकते हैं। निज़ामुद्दीन मरकज़ की पहली मंजिल पर नमाज की इजाज़त दी गई है। कोविड-19 में इजाफे के पेश नज़र नीट PG इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है, जो 18 अप्रैल को होने वाला था। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने यह बात बताई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हुकूमत हिंद ने कोविड-19 केसों में इजाफे के पेश नज़र नीट PG इम्तिहान मुलतवी करने का फैसला किया है, जो 18 अप्रैल को मुनक्शुदनी था। अगली तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल तलबा की बेहतरी के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। एक दिन कबल वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास के बाद CBSE 10वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था और 12वीं जमात का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया था। जून में CBSE 12वीं जमात के इम्तिहान के बारे में फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस वबा ने दारुल हुकूमत दिल्ली में भी तशवीशनाक रुख इख्तियार कर लिया है। ताज़ा केसेस में बेतहाशा इजाफे के साथ साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है, जिसके बाद न सिर्फ लवाहकिन को अपने अजीज़ों की मैयतों को दफनाने या नजर आतिश करने में शदीद मुश्किल पेश आ रही है, बल्कि तजहीज़ व तकफीन और शमशान घाटों पर आखिरी रसूमात अंजाम देने वालों पर भी शदीद दबाव बढ़ा है। दिल्ली के मरकजी शमशान घाट के मुंतजिम व बड़ी पंचायत अग्रवाल तंजीम के जनरल सेक्रेटरी समन गुप्ता ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते से औसत 10-15 कोविड-19 मुतासरीन की नाशों को सुपुर्द-ए-आग किया जा रहा है। ताहल कल 18 तदफीन की गई। उन्होंने बताया कि आमतौर पर यहाँ रोज़ाना 50-60 के करीब लाशें नजर आतिश की जाती है, अब इनकी तादाद 80 से भी ज़्यादा हो चुकी है। कोविड-19 में ताज़ा तरीन इजाफे की वजह से अमवात में भी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है।
शहर में कब्रिस्तान और शमशान घाट इंतहाई नामसाद हालात से जूझ रहे हैं। तस्दीक शुदा और मुशतबा वाकयात से मुतालिक सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने अप्रैल के पहले 13 दिनों में दिल्ली में 409 अफराद को हलाक किया है। जहदकार और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद को दिल्ली फसादात केस में यहाँ की एक मुकामी अदालत ने जमानत दे दी है। वो गुज़िश्ता साल यकम अक्टूबर से जेल में महरूस थे, जबकि दिल्ली पुलिस ने उन पर शुमाल मशरकी दिल्ली के फसादात में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने इन्हें इस मुकदमे में जमानत तो दे दी है, तहम वो जेल में ही कैद रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ UAPA जैसे सख्त कानून के तहत भी मुकदमा दर्ज हैं जिसमें इन्हें हनूज जमानत नहीं मिली है। यह मुकदमा भी दिल्ली फसादात से मुतालिक है, जिसमें UAPA के तहत उमर खालिद पर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात में मुसालेहाना किरदार अदा कर रहा है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों की अदावत को सेहतमंद और कारगर ताल्लुक में तब्दील करना है। इमारत के सफ़ीर यूसुफ अल अतिया ने वाशिंगटन में इस बात की तस्दीक की है। बैकडोर मुज़ाकरात और मुलाकातों के हिस्सों के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक के आला इंटेलिजेंस अहदेदारों की जनवरी 2021 के दौरान दुबई में खुफिया इजलास मुनक़िद हुए, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारत में कश्मीर पर दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी कशीदगी को कम करने में अहम रोल अदा किया है। यूसुफ अल अतिया ने होवार इंस्टीट्यूशन के साथ एक वर्चुअल मुबाहसे के दौरान कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारत कश्मीर में कशीदगी कम करने और जंगबंदी लागू करने में एक रोल अदा किया है। उम्मीद है कि यह तब्दीली सफीरों की दोबारा बहाली और ताल्लुकात को सेहतमंद सतह पर वापस लाने का सबब बनेगी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और तुर्की की खातून अव्वल आमिना अर्दोगान की आम शहरी के घर में इफ्तार करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तुर्की उर्दू नामी ट्विटर हैंडल पर तुर्क सदर और इनकी अहलिया की चंद तस्वीर शेयर की गई, जिनमें इन दोनों ने न सिर्फ एक आम शहरी के घर पर इफ्तार में शिरकत की और अहले खाना के साथ इफ्तार किया, बल्कि इस मौके पर बच्चों को तहफ़ भी दिए। अर्दोगान और खातून अव्वल आमिना अर्दोगान ने आज एक आम शहरी के घर पर इफ्तार में शिरकत की और अहले खाना के साथ इफ्तार किया। तुर्क सदर और इनकी अहलिया ने भी अहले खाना के साथ सादा इफ्तारी की। इफ्तार के बाद तुर्क सदर और खातून अव्वल ने अहले खाना से चाय की नशीस पर तबादला ख्याल भी किया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे, और इस मकसद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक CCTV जो कि दोनों शहरों के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल के सिलसिले में किए जाने वाले इकदाम से हुकूमत को वाकिफ़ करवाया जा चुका है, और कहा जा रहा है कि इस मकसद के लिए रियासती हुकूमत के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा महकमा पुलिस और बल्दी नज़्व व नस्क की जानिब से चेहरा शनासी ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो शख्स मास्क ना लगाएगा इसके मोबाइल पर चालान पहुँचाने के इकदाम किए जा चुके हैं। महकमे के अहदेदारों ने बताया कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से मास्क के लुजूम के आयद किए जाने और ₹1,000 चालान के फैसले के बाद इस बात का जायज़ा लिया जा रहा था कि इस फैसले को किस तरह से काबिल अमल बनाने के इकदाम किए जाएँ, क्योंकि जा वजह पुलिस की जानिब से तस्वीर कशी या सिर्फ CCTV कैमरों पर इन्हिसार करने पर मास्क के लुजूम के अमल को मौसर बनाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए मुख्तलिफ महकुमाजात से मुशावरत के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि रियासत में मौजूद डाटा का इस्तेमाल करते हुए मास्क के लुजूम के लिए मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जाए, और मस्नूई ज़हानत के साथ तस्वीर शनासी ऐप का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए क़वानीन को काबिल अमल बनाने के इकदाम किए जाएँ। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खम्मम और वारंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के अलावा 5 दीगर म्यूनसिपलिटीज के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासत में गुज़िश्ता 3 माह से इंतखाबी माहौल गर्म है। ग्रेजुएट MLC की 2 नशिस्तों के इंतखाबात के बाद नागार्जुना सागर असेंबली हलके का ज़मीनी इंतखाब का मरहला शुरू हुआ। नागार्जुना सागर में इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो चुकी है और 17 अप्रैल को रायदही होगी। अभी ज़मीनी इंतखाब की रायदही खत्म नहीं हुई कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात का ऐलान करते हुए सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी की जानिब से जारी करदा इलामिया में वरंगल और खम्मम कॉरपोरेशनों के अलावा अचमपेट सिद्दीपेट जरचल्ला नकरेकल म्यूनसिपलिटीज़ में 30 अप्रैल को रायदही होगी। 3 मई को रायशुमारी के बाद नतायज का ऐलान किया जाएगा। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को पर्चा जात नामजदगी की जांच होगी, जबकि 22 अप्रैल तक नाम वापस लेने की मोहलत रहेगी। तेलंगाना में कोरोना के फैलाव को देखते हुए हुकूमत ने 10वीं और इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तहान को मनसूख कर दिया और इंटर सेकेंड ईयर के इम्तहान को मुलतवी कर दिया। महकमा तालीम की स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और SSC बोर्ड के हुकाम का इजलास तलब किया, जिसमें रियासत की सूरत हाल के अलावा CBSE के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में 10वीं जमात और इंटरमीडिएट इम्तहान मनसूख और मुलतवी करने का जायजा लेने के बाद रियासत में 10वीं जमात के इम्तहान को मनसूख करने का फैसला लिया गया है। 10वें तलबा को बगैर किसी इम्तहान के प्रमोट कर दिया जाएगा। महकमा तालीम ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द SSC बोर्ड से नतायज का ऐलान किया जाएगा।
नतायज से गैर मुतमईन तलबा हालात साजगार होने पर इम्तिहानात तहरीर कर सकते हैं। इस फैसले से तेलंगाना के 5,35,000 तलबा को फायदा होगा। इसी तरह हुकूमत ने इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात को मनसूख करके तमाम तलबा को इम्तिहानात के बगैर प्रोमोट करने का फैसला किया है। इस फैसले से इंटर फर्स्ट ईयर के 4,58,000 तलबा को फायदा होगा। तेलंगाना हुकूमत ने मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को रमजान के दौरान एक घंटा कबल दफातर से जाने की इजाजत दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज इस सिलसिले में सर्कुलर अहकाम जारी कर दिए हैं। मुलाजमीन 4 बजे शाम दफातर से जा सकते हैं। सियासतदान वाईएस शर्मिला को पुलिस ने एहतियाती तहवील में ले लिया, क्योंकि इंदिरा पार्क जहां उन्होंने बेरोजगार नौजवानों की ताइद में भूख हड़ताल की थी, उन्होंने अपने घर को पैदल जाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि इनको एक रोज़ा भूख हड़ताल की इजाज़त दी गई थी, पुलिस ने इनसे ख्वाहिश की कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दे, जिसके बाद शर्मिला ने अपने हामियों के साथ जुबली हिल्स में वाक़ अपने मकान तक पैदल चलने का फैसला किया। जब वो तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर के करीब पहुंची तो पुलिस ने इन्हें एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया और अपनी गाड़ी में इन्हें इनके मकान छोड़ दिया। पुलिस की ज्यादती के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने मकान में एहतजाज किया। खबर दी आज भूख हड़ताल के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए शर्मिला ने पूछा है कि आया वो रियासत में बेरोजगार नौजवानों की अमवाद से वाकिफ नहीं है। वो ये मालूम करने की भी ख्वाहत थी कि आया चीफ मिनिस्टर के जिस्म में इंसानी दिल है या पत्थर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तारीखी इमारतों के तहफ़ और इसकी जाम तरक्की के मंसूबे को तैयार करने की हुकूमत को हिदायत देते हुए इस सिलसिले में इन इमारतों की तरक्की के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी है। तारीखी इमारतों के तहफ़ से मुतालिक दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर समाप्त करते हुए हाईकोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से 12 अप्रैल को इस सिलसिले में पेश करदा अपनी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि समाप्त के दौरान आखिरी मिनटों में रिपोर्ट पेश करना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। गोलकुंडा और कुतुबशाही मकबरों को हो रहे नुकसान से मुतालिक अखबारी इत्तलात पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर महकमा आसार कदीमा ने बताया कि रियासत में 27 तारीखी इमारतें हैं। असिस्टेंट सालिस्टर जनरल ने अदालत को बताया कि गोलकुंडा किले के अतराफ 151 गैर मिजाज तामीरत है। इस सिलसिले में पुलिस और रियासती हुकूमत के अहदेदारों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर अदालत ने तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों के तहफ़ के सिलसिले में हुकूमत को मुख्तलिफ हिदायत और मशवरे दिए हैं। रिश्ता एक माह से दिन ब दिन कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। मुतासरीन की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना में कोविड-19 की शरह पॉजिटिव 15-20% के दरमियान है। हर 4 दिन में एक मरतबा केसों की तादाद दुगनी हो रही है। कोरोना से शदीद मुतासर रियासत महाराष्ट्र से मुतसिल तेलंगाना अजला में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। ज़िला निज़ामाबाद में कोरोना मुस्बित केसेस की शरह 24% तक बढ़ गई है। इसका मतलब यह है वहाँ कोरोना टेस्ट कराने वाले हर 100 अफराद में 24 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी है और 10 अजला इससे बुरी तरह जद में हैं। जुमे की सुबह महकमा सेहत की जानिब से जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रियासत में 3,840 केसेस दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद में 505 केसेस, मेरचल में 407 और निज़ामाबाद में 303 केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना टेस्टों की तादाद में इजाफे के बाद पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है। हुकाम ने अवाम को चौकसी का इंतबाह देते हुए अंदेशा जाहिर किया कि आइंदा 3-4 हफ्तों में सूरत हाल और अबतर हो सकती है।